बिजली बोर्ड चेयरमैन को एक्सटेंशन की तैयारी, सीएम के करीबी है राम सुबक सिंह। भड़के कर्मचारी, बोर्ड को दयनीय स्थिति में पहुंचाने के यह जिम्मेदार। जयराम सरकार ने सीएस पद से हटाए थे अफसर। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रिंसिपल एडवाइजर एवं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि HPSEB के चेयरमैन राम सुबक सिंह को अंदर खाते एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही है। IAS राम सुबक सिंह इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले ही उन्हें एक्सटेंशन देने की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं इस पर बिजली बोर्ड कर्मचारी भड़क गए हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल में विद्युत बोर्ड की स्थिति ज्यादा दयनीय हुई है। आलम यह है कि बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि DA देने के लिए पैसे नहीं है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है बोर्ड की हालत ज्यादा बिगाड़ने वाले अधिकारी को एक्सटेंशन ना दिया जाए। गौर रहे कि पहले भी बोर्ड कर्मचारी चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और मुख्यमंत्री से उन्हें बिजली बोर्ड से हटाने की मांग कर चुके हैं। पूर्व सरकार में CS पद से हटाए गए थे। पूर्व जयराम सरकार में राम सुबक सिंह मुख्य सचिव रहे हैं। उस दौरान विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी उन पर गंभीर सवाल उठाए थे क्योंकि उन्हें PMO में एक शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव के पद से हटाया गया था। सुक्खू सरकार ने लगाया प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM। राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM के साथ साथ HPSEB के चेयरमैन की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अब वह रिटायर हो रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक्सटेंशन देने की चर्चा शुरू हो गई है।